तो ठीक है, हमने 25 लेवल्स बना लिए हैं। तो उसके लिए हम हमारे जो प्लेयर के लिए जो कोड है वो हम एंड्रॉइड के लिए कर देते हैं। यहाँ पर जो है प्लेयर स्क्रिप्ट, साइट स्पीड, इसको बिल्ड करके देख लेते हैं एंड्रॉइड के लिए। चल तो रही है मगर बहुत लैग हो रही है। अब बज चुके हैं 7:45 और हमने जब लास्ट टाइम गेम को बिल्ड करा था एंड्रॉइड के अंदर वो काफ़ी कुछ सेटिंग्स बाकी रह गए थे। तो सबसे पहले हम इसके सेटिंग्स कर लेते और ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा लैग हो रही है गेम, हद बिना की लैग हो रही है। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पर रिजोल्यूशन सेट कर देना है हमको, ऑटो रोटेशन की जगह पर पोर्ट्रेट मोड कर देना है और बस अभी तो इतना करते हैं। अदर सेटिंग के अंदर अभी ये जो है उसी को ऑन कर रहे रहने देते। मोनो से ILCP भी कर देंगे और 64 भी कर देंगे इसको। ओके, और PI लेवल 23 से हाईएस्ट इंस्टॉल पे रखेंगे। अब हमें जाना है क्वालिटी में, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, इसमें क्वालिटी में नहीं जाना, हमें इधर ही क्वालिटी में ही जाना है। एंड्रॉइड के अंदर मीडियम है, हम सब में मीडियम ही सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे हमें एंड्रॉइड के लिए ही काम करना है तो सबसे पहले हम इसको डिसेबल ही रहने देंगे, डोंट सिंक पे कर देंगे, फुल डेज पर टेक्सल से डिसेबल कर देंगे, शेडो मास्क से डिस्टेंस शेडो मास्क, हार्ड शेडो से डिसेबल शेडो, लो रेजोल्यूशन स्टेबल फिट से क्लोज फिट, नो कैस्केड बराबर ही है, टू बोन से वन बोन। ओके, और दूसरा क्या करेंगे हम, एक और चीज़ कर लेंगे, हम एक सेटिंग कर लेंगे गेम मैनेजर की। गेम मैनेजर रख लेते हैं या फिर एंड्रॉइड मैनेजर रख लेते हैं, एंड्रॉइड मैनेजर। उसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं एंड्रॉइड मैनेजर की। हम उसमें क्या करेंगे कि चेक करवा लेंगे कि गेम एंड्रॉइड की है या पीसी की है। अगर जब भी हम पीसी पे प्ले करेंगे तब तो वो पीसी की हो जाएगी, और जब भी हम एंड्रॉइड पे प्ले करेंगे, एंड्रॉइड डिवाइसेस पे प्ले करेंगे तब तो वो एंड्रॉइड पे वर्क करेगी। तो हम फटाफट से स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। पहले एंड्रॉइड के लिए हम सेटिंग कर लेते हैं। अवेक के अंदर लिख लेंगे हैशटैग इफ यूनिटी एडिटर। तो सॉरी, हमें पहले पब्लिक स्टैटिक एंड्रॉइड मैनेजर इंस्टेंस लेना है। अब अवेक के अंदर इंस्टेंस
if instance not equal to null hook, तो instance is equal to transform dot destroy करेगा transform dot game object अगर already है तो, और अगर object नहीं है, instance create नहीं हुआ है, तो वो पहले instance करेगा instance is equal to this और don't destroy on load पे डाल देगा transform dot game object को transform dot game object simple. अब इसके अंदर हम इधर ही हम public bool is android बराबर, तो इज एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स रखेंगे. ओके, तो यहाँ पे अगर यूनिटी एडिटर है तो इज एंड्रॉयड इक्वल टू फॉल्स ऑल, यहाँ पर हैशटैग एल्स इफ, सॉरी एलिफ चलेगा, एल्स एलिफ यूनिटी अंडरस्कोर एंड्रॉइड, अगर एंड्रॉइड है तो इज एंड्रॉइड इक्वल टू ट्रू स्टैक एंड इफ. ओके, तो ये हमने एडिटर की स्क्रिप्ट पर लगा दी, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि एंड्रॉइड है या वो है, हमें बार बार वो नहीं करना, हम इसको हाइड इन इंस्पेक्टर कर देंगे, हाइड इन इंस्पेक्टर. मगर साथ में हमें यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड बनानी है, सीरियलाइज फील्ड की ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ पे हम स्टार्ट में ये अपडेट फंक्शन को हटा देते और यहाँ पर हम एप्लीकेशन डॉट टारगेट फ्रेम रेट इज इक्वल टू 30 कर देंगे, या मे बी 60 रख के देखते एक बार तो किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है. और सबसे पहले सबसे बड़ी बात, हमें ये सबको बेक करना होगा, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको बेक करना होगा, हमारे सारी चीज़ों को बेक करना होगा. तो हम ऑक्लूजन कलिंग में जाएंगे, बेकिंग में जाएंगे और बेक करना स्टार्ट करेंगे. ये बेकिंग होना स्टार्ट हो रहा है, वन सेकेंड, विजुअलाइजेशन ये बेक हो चुका है. वैसे काफ़ी छुट्टे छुट्टे हैं चीज़ें, आई होप इससे कुछ फर्क पड़ा हो, फिर भी हम सारे सीन्स को बेक कर लेते. आई थिंक ये सब बेक हो चुके हैं, फिर भी हम एक बार एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग देख लेंगे. क्वालिटी पूरा मीडियम है, विंडोज में भी मीडियम ही कर देंगे. ओके, लेट्स से हम एडिट क्लियर ऑल प्ले प्रेस करेंगे, एक बार प्ले करके देख लेते. ओके, डायरेक्ट 25 से नहीं करना, हमें लेवल वाइज से प्ले करना है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके, सॉरी, यहाँ पे हमें जो प्लेयर स्क्रिप्ट है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एंड्रॉयड मैनेजर जो है उसको यूज़ किया हुआ है. तो ये वाला जो कोड है इसको हम वापस कमेंट में से हटा देंगे. अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ एंड्रॉयड मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज एंड्रॉयड नॉट इज एंड्रॉयड हो, तो ये कोड को कॉल होगा, else या तो else if डाल देते हैं कि android manager dot instance dot is android is equal to true हो, तो इसको कॉल करेगा. अभी हमें ये कोड अभी फाइनल नहीं है, हमें अभी कोड फाइनल करना पड़ेगा, बिकॉज वो कंट्रोल्स प्रॉपर चल नहीं रहे. अभी एक बार चेक कर लेते हैं android manager में, android manager की स्क्रिप्ट असाइन करते और प्ले करते. ओके, टैप टू स्टार्ट. ओके, वैसे तो स्मूथ चल रही है गेम, पीसी में तो स्मूथ ही चल रही थी, मेन हमें उसमें देखना है कि उसमें कैसी चल रही है.
इसी में तो वैसे भी स्मूथी चल रही थी। यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे माइनस 2.4f ले लेंगे, ओके। और ये जो कोड है इसको यहाँ पे डाल देंगे, पेस्ट, कंट्रोल कट कर लेंगे, इसको पेस्ट कर देते। और ये जो क्लैंप है इसको हम ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट डॉट एक्स डाल देते, ओके। जेड के लिए वो ऊपर का कॉल करेगा और एक्स के लिए हम इसको कॉल करेंगे, ओके। और हम साइड स्पीड भी असाइन करेंगे कि अगर साइड स्पीड इज एंड्रॉइड है तो साइड स्पीड कितनी रहेगी। साइड स्पीड मस्ट बी अभी 5-10 रख के देखते हैं। 12 या 14 तो वैसे भी थी। 6 साइड स्पीड मस्ट भी 6f, ओके। एक बार बिल्ड करके देख लेते, इसको क्लियर करते, ओके। आई होप कि इस बार चल जाए, इस बार लैग ना हो गेम, बस इस बार लैग ना हो। या प्रॉपर देखो, अभी ज़रा भी लैग नहीं हो रही है गेम। रिस्टार्ट, 30 FPS पे बहुत अच्छे से चल रही है हमारी गेम एंड्रॉइड की। आई थिंक और कोड में कुछ प्रॉब्लम रह गई है, तो यहाँ पर भी हमें इनपुट डॉट गेट माउस बटन 0 लेना होगा। इफ इनपुट डॉट गेट माउस बटन 0, तब जैसे ही छोड़ेगा तब वो बाहर आ जाए। तो -1 है, उसकी जगह पे हम 2 ले लेते, 2.4 और ये 2, तो ये -0.96, तो 2.35 और इसको 2.35, -2.35 और 2.35 इस तरह से कर लेना है। आई थिंक हो जाना चाहिए ये 2.36, 4.99F का 0.4F का रेशियो था ना, तो हम यहाँ पर भी 0.4F का रेशियो रखेंगे। और अब एक बार फिर से बिल्ड मार के देख लेते, चलो सही है आया, ओके, परफेक्ट, वो परफेक्ट परफेक्ट। नहीं, परफेक्ट चल रही वैसे तो। एंड्रॉइड के अंदर जो कोड करा हुआ है उसके अंदर ये जो पूरा के पूरा हमने वो ले लिया, हम इसको बाहर रख लेंगे। या अब सब डन है, अब सब सही है। अब सिर्फ हम सिंपली एक फाइनलाइज ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं। जो ऑब्स्टिकल्स हमारा है, ये हमारा ऑब्स्टिकल क्यूब, इसको बाय डिफॉल्ट स्टैटिक में डालेंगे, इसको भी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक में डालेंगे। ये तो स्टैटिक में है ही, ये भी स्टैटिक में डाल देते। इसमें हम ये क्यूब को स्टैटिक में डालेंगे, सिलेंडर इनको भी स्टैटिक में ही डाल देते, इनका भी क्या काम है रोटेशन में। ये भले स्टैटिक में नहीं रिया तो चलेगा। अब वो इस कहाँ गए हमारे प्रीफेब ऑब्स्टिकल्स, इनमें ये जो हमारे सिलेंडर्स के नोक के उनको स्टैटिक नहीं डाल सकते क्योंकि वो रोटेट नहीं होंगे। फिर बाकी सब तो सही है, बाकी सब सही है। हमें सिर्फ या
हमें ये भी हटा देते हैं स्टेटिक्स में, नहीं उसका तो चलेगा, चलो सब सही है। अब हम काम करते एक और बार सब को बेक कर लेते। ट्वेंटी फोर बेक, ट्वेंटी फाइव बेक, ओके।